पोर्तुला का। दोस्तों एक बहुत ही हार्डी और गर्मियों में सक्युलेंट टाइप का एक पौधा है जो बहुत ही हेवी तरीके से फ्लावरिंग करता है अगर इसको अच्छी धूप और अच्छा पॉटिंग मिक्स मिले। ये कटिंग है जो मैं नर्सरी से लाया था और इसमें इसको एक गमले में वैसे ही रख दिया था, तो इसने देखिए कितने अच्छे तरह से रूट्स डेवलप कर लिए। अब इसको आज हम रिपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसा मीडिया लेना चाहिए। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ विद सचिन चौहान, स्वागत करता हूँ आपका। तो आइए दोस्तों हमें क्या लेना चाहिए इसको लगाने के लिए। दोस्तों हम लेंगे कोकोपीट, मिट्टी और गाय की सड़ी हुई गोबर की खाद। इन तीन चीज़ों को हम समान मात्रा में मिलाएंगे और इसमें ये कटिंग लगा देंगे। तो दोस्तों ये पॉटिंग मिक्स मैंने रेडी करके रखा है जिसमें 30% कोकोपीट, 30% मिट्टी और 30% गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद ये मिलाया है। ये मैंने लिया है एक 4 इंच पौधा पॉट गमला, तो इसके जो ड्रेनेज होल है वो लॉक ना हो पाए इसलिए इस पर हम रख देंगे कोकोपीट के ही कुछ धागे। अभी वाटर लैगिंग नहीं होगा, इसमें पानी नहीं रुकेगा। नीचे हम उसी धागों से एक लेयर बना देंगे ताकि नीचे मिट्टी जाके पानी रुक ना सके, क्योंकि इसको पानी से लगभग एलर्जी है ऐसा आप मान के चलिए। तो ये हमने नीचे कोकोपीट की परत लगा दी। ऊपर से हम लेंगे जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया है वो इस तरीके से गमले को भर लेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे नीचे थोड़ी जगह बना के। याद रखिए आपको लेवल मेंटेन करना है, तो नीचे थोड़ी जगह बना के आप ये कटिंग को सीधे तरीके से रख दीजिए ताकि इसका जो ग्रोथ है वो ऊपरी तरह हो। बाद में बहुत जेंटली आपको इसको फिल कर देना है। ध्यान रखें इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मिट्टी में दब ना पाए, अच्छे तरीके से इसको सेट कर दीजिए। इसके ऊपर की जो भी मिट्टी है वो निकाल लीजिए, नहीं तो वो फंगस क्रिएट करेगी, ये बहुत जल्दी गल जाता है। एक बार सेट होने के बाद ये इतना तेज़ी से बढ़ेगा कि इसको प्रूनिंग ज़रूरी होगी। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे इसकी टिप्स उड़ाते जाओगे तो उस ये और फैलता जाएगा, बूशी बन जाएगा। दोस्तों इसको कर देते हैं हम वाटरिंग। इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे ताकि इसके नीचे के ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। साथ ही साथ में इसकी पत्तियों पर ये पॉटिंग मिक्स ना रुक पाए ये भी हम ध्यान रखेंगे। जब तक पॉट के नीचे से पानी निकलता नहीं आपको पानी डालना है। आप देख रहे हैं कि ये नीचे से पानी, जैसे ही पानी नीचे नीचे आएगा ये नीचे की एयर जो होती है पॉटिंग मिक्स के अंदर की वो बाहर निकालेगा। और जैसे ही नीचे से पानी बहने लगे ये देखिए दोस्तों
पानी देना बंद कर दीजिए। हम इन पत्तियों को धो लेंगे, थोड़ा इनको ऊपर उठा देंगे। याद रखें इन पे मिट्टी जम ना पाए। इस तरह से पत्तियों को भी अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और ऊपरी सतह को थोड़ा सा उठा लीजिए ताकि ये मिट्टी में टच ना हो और फंगल ग्रोथ इसको मिले ना। तो दोस्तों इसको अब हम फुल धूप में रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी धूप अच्छी उतना ही इसके लिए अच्छा होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।